सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिकासे एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एशु अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की एक कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुनाया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए, तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने
काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने, और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है, ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है।
एक काफी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफी ज्यादा मजबूर करने वाली है। खत्म होने के बाद भी दोस्तों काफी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफी माइंड में ये फिल्मों की कहानी घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है, साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफी बेहतरीन ढंग से हमें यह सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करेगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के TV चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के TV चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के TV चैनल पर भी देखने के
लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिकासे एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था ऐशु अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिल ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ऐशु अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है, और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है।
फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे और मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह आपको बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिका से एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73%
परसेंट गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिल ड्रामा मूवी है। एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो वाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है
हो जाते हैं, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है जो कि काफी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों गाइज। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफी चिकासी थ्रिल ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है,
है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहस्त्री है वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छे खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड
सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों गाइस। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे का है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिकासे एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की एक कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए, तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने
काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूँ, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएँ मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों को। गाइस फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एस यू अरुण कुमार ने, और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है, ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है।
एक काफी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफी ज्यादा मजबूर करने वाली है। खत्म होने के बाद भी दोस्तों काफी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफी माइंड में ये फिल्मों की कहानी घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है, साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सब के बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए, तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ASU जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिलर ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के TV चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के TV चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के TV चैनल पर भी देखने के
लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है।
फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में पीओ सीएसओ की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे और मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिलर ड्रामा मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिका से एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी
हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह आपको बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है
हो जाते हैं, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिका से एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एशु अरुण कुमार ने, और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूँ इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है, ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानियाँ घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है,
है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहस्त्री है वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालाँकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड
सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों गाइज। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिकासे एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एशु अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूँ इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सब के बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें, तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए, तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने
काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूँ, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ जिसमें महिलाएँ मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छे खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी, तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालाँकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज के इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एस यू अरुण कुमार ने, और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है, ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है।
एक काफी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों ओटीटी पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफी ज्यादा मजबूर करने वाली है। खत्म होने के बाद भी दोस्तों काफी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है, साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को छूती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में पीओ सीएसओ की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिलर ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के
लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों को गाइज। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिकासे एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एशु अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानियाँ घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की एक कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है, और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सब के बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्नियामुरम पुदीनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुनाया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है।
फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में पीओ सीएसओ की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे और मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिलर ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73%
परसेंट गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की एक कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पुदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है
हो जाते हैं और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है जो कि काफी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिका से एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एशु अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है यानी पसंद किया गया है, ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है,
वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सब के बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह आपको बता दूं एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड
सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों गाइज। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे का है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफ़ी चिकासे एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था ऐशु अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ऐशु अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ऐशु अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानियाँ घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह गुनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें, तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए, तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने
काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छे खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिलर ड्रामा मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है।
एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानी है घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन जो कि सिद्धार्थ की कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है, साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी जो कि सहश्री है वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सब के बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए, तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ निविसा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ASU जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है, और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है, और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के TV चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के TV चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के TV चैनल पर भी देखने के
लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइज फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे क्या है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर। तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिकासे एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा, एंड काफी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूं यह मूवी की रेटिंग 8.3 out of 10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है, एंड काफी ठीक ठाक सी यह रेटिंग हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफी चिकासी थ्रिलर ड्रामा मूवी है, एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको यह मूवी काफी ज्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है एसयू अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए एसयू अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्ठा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानियाँ घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है, तो अगर बात करें तो चिट्ठा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की एक कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सबके बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पिदिनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को छूती
होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करेगा, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है हो जाती है और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है, जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं करें, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों को। गाइस फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चिट्ठा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को ऑफिशियली तरीके से देखना चाहते हैं एंड ऑफिशियली तरीके से कैसे का है ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चिट्ठा मूवी को लेकर, तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात चिट्ठा मूवी को लेकर, तो दोस्तों 2023 की काफी चिका से एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी हो जाती है। हालांकि दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी को लेकर, तो दोस्तों यह मूवी रिलीज हुई थी 28 सितंबर 2023 में, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था एसयू अरुण कुमार ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रेड जायंट मूवीज के द्वारा एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह मूवी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चिट्ठा मूवी को आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके लिए बता दूं इस मूवी को आप ऑफिशियली तरीके से भी देख सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आपके लिए बता दूँ यह मूवी की रेटिंग 8.3/10 की शानदार रेटिंग इस मूवी को दी हुई है एंड काफ़ी ठीक ठाक सी यह रेटिंग
हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को 73% गूगल यूजर्स द्वारा इस मूवी को लाइक किया गया है, यानी पसंद किया गया है। ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी बेहतरीन मूवी हो जाती है। और दोस्तों आपके लिए बता दूँ, ये इंडियन तमिल लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी खासी थ्रिल ड्रामा मूवी है। एंड इस मूवी को दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में अवेलेबल कर दी गई है। जिन भाई लोगों को भी इस मूवी को देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी पिछले महीने 28 नवंबर से यह मूवी आपके लिए देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो आप इस मूवी को दोस्तों देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एंड काफ़ी अच्छी खासी आपको पसंद आने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसको दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट किया है ASU अरुण कुमार ने, जो कि काफ़ी ठीक ठाक से डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी के कुछ कहानी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी में आपको बाल उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए ASU अरुण की ओर से निर्देशित फिल्म चिट्टा आपको सोचने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर करने वाली है। ख़त्म होने के बाद भी दोस्तों काफ़ी देर तक इस फिल्म का दोस्तों असर आप पर रहने वाला है। ऐसे जो विषयों पर फिल्में हैं काफ़ी बेहद कम बनती हैं, हालांकि बनने के बाद आपके लिए काफ़ी माइंड में ये फिल्मों की कहानियाँ घूमती रहती है। अगर दोस्तों कहानी को लेकर बात हो रही है तो अगर बात करें तो चिट्टा ईश्वरन, जो कि सिद्धार्थ की एक कहानी बताती है, जो दोस्तों नगर पालिका के स्वच्छता विभाग में एक सुपरवाइजर है। साथ ही दोस्तों वह अपनी भतीजी सुंदरी, जो कि सहश्री है, वो उसका चाचा है, और अपने बड़े भाई के निधन के बाद ईश्वरन अपनी भतीजी के लिए पिता के समान है। वह दोस्तों उसे नहलाता है, इसके बालों में कंघी करता है और अपने भाभी को उसके काम में मदद करता है। इन सब के बीच दोस्तों समस्या पैदा तब होती है जब उसके घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों पन्न्यामुरम पुदीनियम और सेतुपति जैसी फिल्में बनाने वाले जो अरुण कुमार ने इस फिल्म में भी दोस्तों रिश्तों को बहुत अच्छे से बुना और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म में दोस्तों एक चाचा और भतीजी की काफ़ी अच्छे खासे रिश्तों को बहुत खूबसूरती और काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है और दिखाया गया है। फिल्म में दोस्तों ईश्वरन और शक्ति की रोमांटिक ट्रैक का भी सब्जेक्ट के साथ अच्छा तालमेल दिखने को मिला है हमें इस मूवी के अंदर। अरुण ने दोस्तों दोनों की लव स्टोरी को भी कहानी के साथ अच्छे से पिराया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाता है। गौरतलब है कि दोस्तों इस फिल्म की जो थीम है साई पल्लवी स्टार गार्गी से मिलती जुलती देखने को हमें मिलती आ रही है। यह दोस्तों एक ऐसे विषय को होती है जिसके बारे में बातें कम होती हैं और लोग असहज महसूस करते हैं, जबकि दोस्तों इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह घिनौना काम समाज में हो रहा है। फिल्म दोस्तों बाल उत्पीड़न के मामले में POCSO की कानूनी कार्रवाई पर भी फोकस करती है, जो कि दोस्तों दिखती है कि पुलिस कैसे इस मुद्दे को सुलझाती है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको स्टोरी पसंद आने वाली है। अगर टोटल स्टोरी की बात करें तो आप मूवीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मूवी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप मूवी में बंधने वाले हैं और मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, और मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ली जाए तो दोस्तों फिल्म में सिद्धार्थ, निविशा और सभी जो बाल कलाकारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेहनत के बाद यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रदर्शन किया है, एंड काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह को बता दूं, एक यथार्थवादी जो कि प्रासंगिक और मार्मिक कहानी के साथ, जिसमें महिलाएं मजबूत हैं और हर किरदार अपना रिफ्लेक्शन है, तो उसको दर्शाने के लिए ऐसे जो अरुण कुमार ने काफ़ी अच्छी खासी उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें ये मूवी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तेलुगु लैंग्वेज की थ्रिल ड्रामा मूवी है, अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को हिंदी भाषा में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आपको 28 नवंबर से देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवी को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद आने वाली है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है
हो जाते हैं और इसी प्रकार की जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। पूरी कहानी बिल्कुल सही तरीके से जानने के लिए दोस्तों मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज दोस्तों काफ़ी अच्छे खासा आपकी का स्टोरी है वो आपको पसंद आने वाली है और काफ़ी अच्छे खासा सस्पेंस भी इस मूवी के द्वारा बना हुआ है जो कि काफ़ी दर्शकों द्वारा भी पसंद की गई है। हालांकि दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी फिलहाल के टाइम में। अगर बात कर ले इस मूवी की, क्या हमें इस मूवी का आने वाले दिनों में सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर भी देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में इस मूवी का हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यह मूवी हमें स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पर भी देखने के मिल जाएगी। फिलहाल तो यह मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियली तरीके से तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ऑफिशियली तरीके से आप इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो अनऑफिशियली दोस्तों कई तरीके से मूवी देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनऑफिशियली बात नहीं कर रहे, हम बात करें ऑफिशियली तरीके से, तो ऑफिशियली तरीके से आपको यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और कुछ इसी प्रकार की जो दोस्तों कहानी हो जाती है चिट्ठा मूवी को लेकर, यही थे हमारे कुछ रिव्यू। तो आज की है वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड